जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो Redmi और Realme के दो एकदम नए फोन लॉन्च हो रखे हैं, Note 11 Redmi का और Realme का टाइम आए। काफी अच्छे फोन है दोनों ही, और दोनों ही फोन का कंपेरिजन करने वाले हैं, पूरा स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मतलब कह सकते हो सेम प्रोसेसर के साथ में आते हैं, लेकिन प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। कौन सा बाय करना चाहिए आपको, लास्ट ऑप्शन में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। सबसे पहले अगर मैं दोनों ही फोन्स के प्राइस और वेंट की बात करूँ, तो दोनों ही फोन्स के प्राइस में आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रहे होंगे। मतलब कह सकते हैं वो 4+64 12,500 में और यहाँ पे 14,000 रुपए में सेम प्रोसेसर के साथ में आते हैं, और कैमरा वगैरह भी दोनों के ही ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई इतना बड़ा गैप देखने को मिलता है, लेकिन कौन सा सही रहेगा आपके लिए, लास्ट ओपिनियन में पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं दोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात करूँ, तो दोनों फोन्स में काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन एक एमोलेड है और एक आईपीएस देखने को मिलती है। नोट 11 में आपको 6.43 इंच के फुल एचडी प्लस 90Hz की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन भाई इस प्राइस की एमोलेड, मतलब कह सकते हो ठीक ठाक की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। कुछ कलर्स वगैरह जो फ्लेक्सिबल लेवल की जो एमोलेड है, इसपे थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एमोलेड है। और भाई 6.6 इंच के फुल एचडी प्लस 90Hz की आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जिनको हैंडी फोन पसंद है, जिनको एमोलेड डिस्प्ले की ओर जाना है, डेफिनेटली नोट 11 बेटर है। नेक्स्ट अगर मैं दोनों फोन्स के कैमरास की बात करूं, तो Redmi Note 11 में आपको 50+8+2+2 क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है, सेल्फी आपको 13 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है। और वहीं 9i में आपको 50+2+2 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। आई थिंक तो यहाँ पे जो Redmi है वहां पे आपको वाइड एंगल का एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो कैमरा के मामले में Redmi बेटर है, सेल्फी दोनों की ठीक ठाक की देखने को मिलती है, और प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का दोनों का ही नॉर्मल सा देखने को मिलता है। तो कैमरा के मामले में Redmi को प्लस पॉइंट दूंगा। दोनों ही फोन्स की अगर बैटरी की बात की जाए, दोनों ही फोन्स की बैटरी बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है आपको, प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। तो अगर बैटरी की बात करूं, तो दोनों ही फोन्स पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफी बैलेंस कह सकते हो, काफी अच्छी बात है। 33 और 5000mAh मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है, कम से कम भाई 30 वोल्ट या फिर 33 वोल्ट तो होना ही चाहिए। तो सबसे काफी अच्छी फास्ट चार्जिंग है, बैटरी भी काफी बड़ी है, 1-1.5 दिन आप आराम से नॉर्मल यूजर के हिसाब से चला सकते हो। प्रोसेसर की बात करूं, तो स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने मिलता है, ये एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, और आराम से आपकी बड़ी बैटरी है, और काफी कह सकते हो इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेटर प्रोसेसर है। मतलब इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आपको नॉर्मल यूजर के लिए बेटर परफॉर्मेंस भी देगा। तो ओवरऑल बात करने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ, दोनों फोन्स में 3.5 जैक है, दोनों फोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, लेकिन दो प्लस पॉइंट यहाँ पे नोट 11 में देखने को मिलता है, IP53 से यहाँ पे रेटिंग देखने को मिलती है, प्लस Redmi में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा काम का है, एज अ रिमोट कंट्रोल आप उसको यूज ले सकते हो। लेकिन IR ब्लास्टर को इतना ज्यादा नहीं कहूंगा, हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोगों को काम आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से, सबसे पहले देखो आपको ये सस्ता देखने को मिलता है, नोट 11 एमोलेड डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलता है, हैंडी फोन देखने को मिलता है, लुक आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से फोन का आपको ज्यादा पसंद आता है। तो आई थिंक कि इस प्राइस में 12-12.5 हजार में मैं आपको दो ही फोन सजेस्ट करूंगा। एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं दोनों ही फोन, नोट 11 ले सकते हो प्राइस बढ़ने से पहले, क्योंकि Redmi आपको पता ही है बाद में लॉन्च के बाद में प्राइस बढ़ा देता है। तो 12-12.5 हजार तक आपको डेफिनेटली नोट 11 या फिर मोटो का G31 13-14 हजार के बीच में देखने को मिल जाता है, तो वो वाला भी पिक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे ऐसी ही अमेजिंग अगली वीडियो में।